तो फाइनली गाइस Samsung Galaxy S20 FE 5G में अप्रैल मंथ का अपडेट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में अप्रैल मंथ का जो 974 MB का जो अपडेट आया उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या बग फिक्स हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए अगर आप Samsung Galaxy S20 FE 5G को यूज करते हैं। तो इस वीडियो का पूरा जरूर से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड की यूट्यूब चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ऐसे जो भी अमेजिंग वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए सिंपली जैसे ही आप सेटिंग आइकन पे क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट का। इस पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए चेक होगा। यहां से आपके फोन के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो यहां पे शो हो जाएगा। यानी मैंने तो रिसेंटली अभी अपडेट कर लिया है तभी यहां पे शो हो रहा है योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MIUI 5.1 जो है वो इंस्टॉल्ड है और उसके अलावा आप यहाँ पे करंट वर्जन देख सकते हैं। तो और सिक्योरिटी पैच है वो भी अप्रैल मंथ का जो कि मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया है। तो अभी मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ कि इस अपडेट के आने के बाद क्या क्या जो बग्स हैं वो फिक्स हुए हैं, क्या क्या इसमें सिस्टम इंप्रूवमेंट हुए हैं, सारे फीचर्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे आप लास्ट अपडेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने रिसेंट अपडेट किया है उसके बारे में सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शन इंप्रूव, यानी आपका जो फोन है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ से इंप्रूव हुई, क्योंकि बहुत सारे बग्स होते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं आपके फोन के अपडेट के साथ में ही। और साथ में इसमें जो अप्रैल मंथ का सिक्योरिटी पैच है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा ये अपडेट करने के बाद। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूव, बग फिक्स, न्यू एंड इनहेंस्ड फीचर्स, फर्दर इंप्रूवमेंट टू परफॉर्मेंस टू गेट द बेस्ट फ्रॉम योर फोन, प्लीज कीप योर डिवाइस अप टू डेट एंड रेगुलरली चेक फॉर अपडेट्स। यानी आपको अपने फोन है वो रेगुलरली अपडेट रखना है, आप यहाँ पे चेक करते रहिए जब भी आपके फोन के लिए कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो यहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से आप अपने Samsung Galaxy S20 FE 5G को अपडेट रख सकते हैं और जो भी न्यू फीचर्स आएंगे उन्हें आप सबसे पहले यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस अपडेट को इंस्टॉल कर पाए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ऐसे जो भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। एंड गाइस अगर आपकी Samsung Galaxy S20 FE 5G फोन से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके रिलेटेड मैं उसका वीडियो बना दूंगा अलग से। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।